हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल गागी द लिटिल शेफ में। तो आज मैं आज मेरी मम्मी आप सबको सिखाने वाली है एक क्यूट सा कार केक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मम्मी ने एक राउंड केक स्पॉन्ज बना लिया है प्रीमिक्स से। ये कार केक मैं राउंड केक स्पॉन्ज से बनाऊंगी। पहले ये केक में तीन लेयर्स में कट कर लेती हूं। तो देखिए हमारी एक लेयर हो चुकी है, तो अब ऐसे ही हम दोनों बाकी के लेयर्स कर लेते हैं। तो देखिए हमारे तीनों भी लेयर्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है व्हिप क्रीम। तो हम बना रहे हैं रसमलाई फ्लेवर का केक। तो इसमें मम्मी आप क्या डाल रही हो? इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा मावा एसेंस और ये क्रीम को अच्छे से बीट करके लेती हूँ। देखिए ये क्रीम के पीक्स अभी भी सॉफ्ट है, मतलब ये क्रीम रेडी नहीं हुआ है। तो जब ऐसे स्टिफ पीक्स आएंगे तब समझिएगा कि हमारा क्रीम रेडी है। ये केक हम रसमलाई फ्लेवर का बना रहे हैं, इसलिए ये केक का स्पॉन्ज हम रसमलाई के दूध से सोक करके लेते हैं। इसके ऊपर हम व्हिप क्रीम की एक लेयर लगा के लेते हैं। अब इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ रसमलाई के टुकड़े। अब जाएगा थोड़ा सा रसमलाई का दूध और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो अब सेकेंड लेयर को भी हमें सेम प्रोसेस करनी है। हमें पहले दूध से सोक करना है, फिर व्हिप क्रीम की एक लेयर लगानी है और रसमलाई के टुकड़े डाल देने हैं। अब मैंने केक की लास्ट लेयर लगा ली है। अब व्हिप क्रीम से थोड़ा सा क्रम कोट करके लेते हैं। अब स्क्रैपर की मदद से थोड़ी सी फिनिशिंग करके लेते हैं। तो हम इस केक पे इक्वल डिस्टेंस पे मार्किंग कर लेते हैं और उतने पार्ट को कट कर लेते हैं। क्यों? देखते जाइए। जो कट किया हुआ पार्ट है वो हम मिडल पार्ट के ऊपर रख देंगे, जिससे कार का टॉप का पोर्शन रेडी हो जाएगा। ये टॉप के पोर्शन को मैं साइड से और ऊपर से थोड़ा सा कट करके एक अच्छा सा शेप दे देती हूँ। अब केक को हम क्रीम से अच्छे से कोट कर लेते हैं। स्क्रैपर से थोड़ा सा फिनिशिंग दे देते हैं। अब ये केक को मैं केक बोर्ड पे शिफ्ट कर लेती हूँ। अरे मम्मी, आपने इस केक को इतने इजीली कैसे शिफ्ट कर लिया? प्रैक्टिस से सब पॉसिबल होता है। वो हमारी गाड़ी डेकोरेशन के लिए रेडी है। थोड़े से फिनिशेस दे देते हैं इसे। अब मैं कार के डिटेल्स बनाने के लिए टूथपिक की मदद से मार्किंग कर लेती हूँ।
एनिमेटेड कार है, इसलिए ये स्माइल भी करती है। कार के ग्लासेस के लिए मैं व्हाइट कलर का क्रीम यूज कर रही हूँ और बाकी के हिस्से के लिए रेड कलर। तो यहाँ पे मम्मी ने नोजल नंबर 14 यूज किया है, आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रही होगी। ये भी 14 नंबर का नोजल है, इससे हम रेड कलर का पार्ट कवर कर लेंगे। तो गाड़ी के हेडलाइट्स हम येलो कलर के कर लेंगे। तो गाड़ी के साइड में हमें ग्रास का इफेक्ट देना है, तो इसलिए मम्मी ने ग्रास नोजल यूज किया है। देखिए ग्रास इफेक्ट डालने के बाद हमारी कार बहुत ही क्यूट दिख रही है। तो चॉकलेट मेल्ट करके मैंने गाड़ी के लिए दो आंखें बना ली। अब हमारी गाड़ी व्हील्स के बिना तो चलेगी नहीं, तो अब इन ओरियो बिस्किट से हम गाड़ी के व्हील्स बना लेते हैं। तो लीजिए हमारा कार केक रेडी हो गया है। क्यूट है ना? और हमने एक राउंड केक को एक कार केक में बदला है। आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको मम्मी के बनाए हुए और केक्स देखने हैं तो मम्मी का इंस्टाग्राम पेज फॉलो करिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली है। सो टेक केयर एंड बाय बाय।